Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ मैं जिस विषय को आपके सामने लाई हूँ उस विषय का नाम है प्रबंधन प्रक्रिया और संगठनात्मक व्यवहार आज का जो हमारा व्याख्यान है वह है मनोदृष्टि और कार्य संतुष्टि पर यानी कि नजरिया और नौकरी की संतुष्टि एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फैक्शन हम एटीट्यूड को मनोदृष्टि नजरिया भी कहते हैं आज के व्याख्यान में हम जिस पर बात करने वाले हैं वह कि मनोदृष्टि या दृष्टिकोण या नजरिया आखिर होता क्या है और जब हम बात करते हैं नजरिया की यानी कि मनोदृष्टि की कार्य मनोदृष्टि यानी कि वर्क एटीट्यूड या जॉब एटीट्यूड क्या होता है इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एक संगठन में विभिन्न कार्य मनोदृष्टि के बारे में समझ को विकसित करेंगे इसके क्या क्या अलग अलग कार्य होते हैं इसके क्या फंक्शंस हैं इसके क्या प्रकार हैं इन सब पर हम बात करेंगे और हम बात करने वाले हैं कार्य संतुष्टि यानी कि जॉब सेटिस्फैक्शन की, की अवधारणा को समझेंगे ऐसे कौन से कारक हैं जो किसी मनुष्य विशेष के कार्य की संतुष्टि से जुड़े हुए होते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और समझते हैं कि मनोदृष्टि यानी कि एटीट्यूड आखिर है क्या इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूंगी कि हम आजकल बहुत बोलते हैं कि इस इंसान में बड़ा एटीट्यूड है सही मायने में इस प्रकार की कोई चीज होती ही नहीं है जब हम एटीट्यूड यानी कि मनोदृष्टि या दृष्टिकोण की बात करते हैं तो यह वस्तुओं लोगों या घटनाओं के संबंध में या तो अनुकूल या प्रतिकूल यानी कि फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेलुएटिव स्टेटमेंट्स होते हैं यह दर्शाते हैं कि कोई किसी चीज के बारे में किस प्रकार कैसा महसूस करता है यह परिभाषा दी थी रॉबिन्स ने उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं कि मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है या मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है तो इसका मतलब है कि मेरा सकारात्मक दृष्टिकोण है सकारात्मक नजरिया है फुटबॉल के गेम की तरफ लेकिन वहीं पर अगर मैं कहूं कि मुझे फुटबॉल खेलना नहीं पसंद तो यह मेरी नकारात्मक मनोदृष्टि दर्शाता है फुटबॉल की तरफ तो यह फेवरेबल और अनफेवरेबल स्टेटमेंट्स होते हैं इसके अलावा ने कहा मनोदृष्टि एक मानसिक स्थिति है जो अनुभव के माध्यम से संगठित होती है जो सभी वस्तुओं और स्थितियों से संबंधित व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर एक निर्देशात्मक या गतिशील प्रभाव डालती है तो अगर हम नजरिया और मनोदृष्टि की प्रकृति की बात करें यानी कि नेचर ऑफ एटीट्यूड तो सबसे पहली बात जब भी हम मनोदृष्टि की बात करते हैं तो यह जन्मजात ना होकर अर्जित की जाती है आपके अनुभवों से आपके वातावरण से आपके खुद के एक्सपीरियंस से आप इसे अर्जित करते हैं यह व्यक्तित्व की तरह नहीं कि कुछ चीजें आपके जन्मजात आपके साथ होती हैं यह आप सीखते हैं अपने वातावरण से यह देखते हैं अनुभव करते हैं एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर किसी वस्तु विशेष व्यक्ति के लिए आप कोई नजरिया रखते हैं चाहे वह सकारात्मक नजरिया हो चाहे वह नकारात्मक नजरिया हो सिर्फ यही नहीं जब भी हम मनोदृष्टि की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा किसी घटना विचार व्यक्ति वस्तु का होना अनिवार्य है क्योंकि आप जब नजरिए की बात कर रहे हैं तो आप नजरिया बना किसके लिए रहे हैं इन्हीं में से किसी चीज के लिए बना रहे हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि जब हम नज़रिए की बात करें तो हम या तो किसी वस्तु के बारे में नज़रिए की बात करते हैं या किसी इंसान के या किसी परिस्थिति के या किसी घटना के या किसी विचार के आदि सिर्फ यही नहीं जब हम मनोदृष्टि की बात करते हैं तो वह हमारा व्यवहार ह्यूमन बिहेवियर को प्रभावित करता है अब जैसा कि मैंने बोला कि मुझे फुटबॉल पसंद है तो जब मैं कह रही हूं कि मुझे फुटबॉल पसंद है तो मेरा व्यवहार या तो खुद फुटबॉल खेलने का होगा या मुझे मेरा व्यवहार होगा कि मैं फुटबॉल का मैच देखती हूं या मैं खुद फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करती हूं तो ये क्या हुआ जो भी, भी चीज के लिए नजरिया था दृष्टिकोण था उस दृष्टिकोण के ही प्रभाव में आकर मेरे कुछ व्यवहार सामने आए साथ ही साथ जब हम बात करते हैं एटीट्यूड की यानी कि दृष्टिकोण की मनोदृष्टि की, मनो की तो यह मूल्यांकन बयान होते हैं यानी कि इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स आई लाइक फीलिंग आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है तो यह क्या है मेरी पसंद को दर्शा रहा है मुझे फुटबॉल खेलना नहीं पसंद आई डिसलाइक प्लेइंग फुटबॉल तो यह मेरी नापसंद को दर्शा रहा है जिसमें मैं मूल्यांकन कर रही हूं किसी खेल का तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नजरिया और मनोदृष्टि के घटक की कि कौन कौन से वह कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे एटीट्यूड हमारे नजरिए को बनाते हैं तो सबसे पहले अगर मैं किसी कंपोनेंट की बात करूं तो वह होता है संज्ञात्मक तत्व कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट कॉग्निशन हमने पहले जब हम पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व की बात कर रहे थे तब हमने उसमें देखा था कि कॉग्निशन क्या होता है तो कॉग्निशन होता है किसी भी इंसान के अंदर उसके मस्तिष्क में बचपन से लेकर अब तक कुछ कुछ उसने अनुभव किए हैं एक्सपीरियंस किए हैं उसी से उसी के आधार पर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन उसके मस्तिष्क में बैठी होती है और जब भी के वह कोई निर्णय लेता है या कोई दृष्टिकोण बनाता है या उसकी कोई नज़रिया बनता है तो वह उस इन्फॉर्मेशन को जो कि उसके मस्तिष्क में ऑलरेडी है पहले से मौजूद है उसका इस्तेमाल करता है कॉग्निशन होता है जिसके द्वारा हम अपने मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं और स्टोर करते हैं और फिर जब भी हम आगे कोई भी मनोदृष्टि या नजरिया किसी वस्तु विशेष के लिए बनाते हैं तो वह इंफॉर्मेशन हम इस्तेमाल करते हैं तो जब भी हम नजरिया की बात करेंगे या मनोदृष्टि की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज जो होना बेहद जरूरी होता है वह होती है सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन और वह कहां से उत्पन्न होती है वह उत्पन्न होती है आपके कॉग्निशन से तो जब हम मनोदृष्टि के घटक की बात कर रहे हैं या तत्वों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में भी आप कोई मनोदृष्टि या कोई नजरिया बनाते हैं तो उससे जुड़ती हुई कुछ सूचना तो आपके पास होनी चाहिए अगर कोई सूचना ही नहीं है तो आप कैसे उसके बारे में कोई मनोदृष्टि या नज़रिया रख पाएंगे जैसे कि जब हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले ही कि कोई सूचना विशेष व्यक्ति घटना विचार ये सब होना जरूरी है अगर हम मनोदृष्टि या नजरिए की बात करते हैं तो इनके अभाव में हम किसी भी बात के लिए मनोदृष्टि या नज़रिया नहीं बना सकते तो सबसे पहली क्या चीज़ है सूचना होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर जैसे कि मैं बात करूं कि आपको पता चला किसी भी एक्स वाई जी कंपनी में प्रमोशन की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि पदोन्नति पदोन्नति के लिए बड़े अच्छे अवसर होते हैं बहुत ही सारी अच्छी फैसिलिटीज़ सुख सुविधाएं उस कंपनी में अपने कर्मचारियों को दी जाती है ऐसा या ऐसी सूचना आपके पास है ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास है कि किसी भी एक्स वाई जी कंपनी में वह कंपनी अपने कर्मचारियों को अच्छी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज प्रमोशन के अवसर देती है साथ ही साथ अच्छी सुख सुविधाएं देती है अच्छा वेतन देती है सिर्फ आपके पास अभी इतनी ही इंफॉर्मेशन है इतनी ही सूचना है अब उसके आगे जब हम नजरिया बनाने की तरफ बढ़ते हैं ये नजरिया का सबसे आधार है कि आपके पास सूचना क्या है जब आप नजरिया बनाने की ओर बढ़ते हैं तो अब आप इस सूचना में अपना भावनात्मक रवैया लेकर आते हैं यानी कि अफेक्टिव कंपोनेंट, यानी कि अपने इमोशंस और फीलिंग्स लेकर आते हैं अब आपको जैसे कि पता है कि वो एक्स वाई जी कंपनी में वहाँ के कर्मचारियों को अच्छी सुख सुविधा मिलती है अच्छी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अच्छा वेतन मिलता है तो अब आपने इस सूचना से अपने इमोशंस को लिंक किया आपने उसको फीलिंग से अटैच किया अब आप शायद कहिए कहें कि मुझे वह कंपनी पसंद है मुझे वह कंपनी पसंद है इसका क्या मतलब कि आपने अपनी भावनाओं को जोड़ा जो कि सूचना आपके पास थी मुझे वह कंपनी पसंद है जिसका नाम एक्स वाई जी है जो अपने कर्मचारियों को अच्छी सुख सुविधा अच्छा वेतन अच्छा प्रमोशन देती है तो अब क्या हुआ आपके पास एक सूचना थी उस सूचना में आपने अपनी भावनाओं को जोड़ा अपने इमोशंस को जोड़ा फिर उसके बाद तीसरी चीज आपका नजरिया पूर्ण रूप से सामने कब आता है जब वह आपके व्यवहार में दर्श दिखता है जब वह आपके बिहेवियर में दिखता है अब आपके पास एक इंफॉर्मेशन थी कि एक कंपनी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं अच्छा वेतन है आपने कहा मुझे वह कंपनी पसंद है अब आपने तीसरी चीज़ जब भी उस कंपनी में उस संगठन में उस कोई नौकरी की इश्तेहार निकला तो आपने उस नौकरी के लिए आवेदन पत्र भरा अब यह हुआ आपका पूर्ण रूप से नजरिया उस कंपनी की तरफ कैसे उस कंपनी में अच्छी नौकरी है अच्छा वेतन है अच्छी सुख सुविधाएं हैं इसलिए वह कंपनी मुझे पसंद है और इसीलिए मैं उस कंपनी में आवेदन भर रहा हूं जिससे मेरा सिलेक्शन हो तो अब यह पूर्ण रूप से आपका नजरिया दर्शाता है उस एक्स वाई जी कंपनी की तरफ कि आपको वो कंपनी पसंद है इसलिए आपने आपके व्यवहार में क्या आया आपने उस कंपनी में अप्लाई किया ऐसे ही अगर उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं एक और उदाहरण कि आपको पता चला कि कोई इंसान जाति के अनुसार भेदभाव करता है ये सिर्फ सूचना है आपके पास कि एक इंसान आपके संगठन में कार्य करता है जो जो कि जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव करता है अब आप अपनी भावनात्मक क्रिया उससे जोड़ेंगे मुझे वह इंसान पसंद नहीं जो जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव करता है और अब आपका फाइनल बिहेवियर आपका फाइनल नज़रिया क्या दर्शाता है आपका फाइनल नज़रिया नेगेटिव एटीट्यूड दिखाएगा नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाएगा उस इंसान के प्रति क्योंकि आपने कहा कि मैं उस इंसान से बात नहीं करना चाहता क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वह जाति के आधार पर भेदभाव करता है इंसानों में तो अब ये पूर्ण रूप से आपका नजरिया बना उस इंसान के प्रति और पहले के उदाहरण में आपका पूर्ण रूप से नजरिया बना था उस कंपनी के प्रति तो तीनों चीजें इसमें होना बेहद जरूरी है सबसे पहला संज्ञानात्मक तत्व इसके अलावा भावात्मक तत्व और फिर व्यवहार का तत्व यानी कि कॉग्निटिव अफेक्टिव और बिहेवियरल तो ये तो थे कंपोनेंट्स अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग घटक जो कि एक व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण को स्थापित करते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किसी इंसान का नजरिया या मनोदृष्टि के निर्माण के लिए स्रोत क्या होते हैं सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन जैसा कि मैंने बोला था कि जब हम दृष्टिकोण की बात करते हैं तो वह जन्मजात नहीं होता वह अर्जित किया जाता है अपने वातावरण से अपने आसपास के लोगों से तो अब इसमें हम यही बात करने वाले हैं कि किस प्रकार आप अपना नजरिया अपनी मनोदृष्टि का निर्माण करते हैं तो सबसे पहला तो डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ जो घट रहा है उसके आधार पर आप अपना नजरिया बनाते हैं जैसा कि मैंने बोला कि आपके संगठन में किसी इंसान ने या कोई इंसान जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो शायद आप ही के साथ वो भेदभाव हुआ आपने खुद उस चीज को एक्सपीरियंस किया खुद उसको अनुभव किया और फिर आपका एक दृष्टिकोण बना उस इंसान के लिए या फिर आप एक कंपनी में कार्य करते थे उस कंपनी में आपको अच्छा वेतन मिलता था अच्छी सुख सुविधाएं मिलती थी तो आपने ये प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया और उसी के आधार पर आपने एक सकारात्मक एटीट्यूड सकारात्मक नजरिया उस कंपनी के लिए बनाया इसके अलावा हमारा जो दृष्टिकोण बनता है वह प्रभावित होता है हमारे परिवार से हमारे सहकर्मियों से जिनके साथ हम कार्य करते हैं या जिनके साथ हम रहते हैं तो परिवार और सहकर्मी समूह जो होता है या आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार या आपके शिक्षक गण यह सब आपके ऊपर आपके नजरिए के ऊपर किस प्रकार आपका नजरिया निर्धारित हो इस पर बहुत प्रभाव डालते हैं आप देखिए बहुत सारी कुप्रथाएं इंसान का नजरिया उन कुप्रथाओं के लिए सकारात्मक हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि उनके परिवार में पीढ़ियों से वो चीज चली आती है तो उनको भी लगता है या उनकी भी समझ में यही आता है कि यह एक सही चीज है और उनका जो नजरिया होता है वह सकारात्मक हो जाता है चाहे वो कुप्रथा ही हो तो आपका जो एटीट्यूड बनता है वो आपके साथ वाले लोगों से भी बनता है आपके परिवार से भी बनता है आपके दोस्तों से भी बनता है इसके अलावा आपकी जो आर्थिक स्थिति होती है या आपका जो व्यवसाय होता है उससे भी आपका एटीट्यूड आपका नजरिया आपकी मनोदृष्टि आपका दृष्टिकोण बनता है अगर जैसे मैं इकोनॉमिक स्टेटस या फिर आर्थिक स्थिति की ही बात करूं तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है जिसमें आपको इतना सोचना नहीं पड़ता कि कब आपको पैसा खर्च करना है कब नहीं खर्च करना तो आप एक खुले विचार के इंसान बनते हो आपका एटीट्यूड हर चीज के लिए आप बहुत ज्यादा वैल्यू कॉन्शियस नहीं होते हो मूल्यांकन नहीं करते हो चीजों का ज्यादा कि यह कब तक चलेगी कब नहीं चलेगी कितना साथ देगी कितना नहीं देगी लेकिन वहीं पर अगर आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है या मैं कहूंगी कि ठीक ठाक से भी थोड़े कम स्तर की है तो आप दस बार सोचेंगे आपका दृष्टिकोण अलग हो जाएगा अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए आपको वैल्यू कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी <coughs> साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं आप किस धार्मिक संघ से जुड़े हुए हैं रिलीजियस एसोसिएशन यह भी बहुत ज्यादा आपके दृष्टिकोण पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही तरीके का प्रभाव डालता है कभी कभी हम ऐसे धार्मिक संघों के साथ जुड़ जाते हैं जो हमें मानवता की ओर नहीं अमानवता की ओर लेके जाता है लेकिन जो लोग उसको फॉलो करते हैं जो लोग उस संघ को संघ के साथ जा रहे हैं उनका दृष्टिकोण ही अलग हो जाता है चीजों को देखने के लिए उन्हें अमानवता में भी मानवता दिखती है उन्हें अमानवता में भगवान दिखता है तो हमारा एटीट्यूड हमारा दृष्टिकोण हम जिस रिलीजियस एसोसिएशन यानी कि धार्मिक संघ के साथ जुड़े हुए हैं इससे भी बहुत ज्यादा प्रेरित होता है तो यह सारे सोर्सेस थे कि हमारा एटीट्यूड यानी कि नजरिया किस प्रकार निर्माण की होता है निर्मित होता है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नौकरी के मनोदृष्टि के कार्यों की यानी कि फंक्शन ऑफ जॉब एटीट्यूड या फंक्शन ऑफ एटीट्यूड भी हम इसे कहते हैं कि क्या क्या कार्य होते हैं नजरिए के या मनोदृष्टि के तो सबसे पहला कार्य होता है अहंकार रक्षात्मक कार्य यानी कि ईगो डिफेंसिव फंक्शन बहुत बार क्या होता है कि हम कुछ कार्य करते हैं और हमें पता होता है कि वह कार्य सही नहीं है लेकिन हम वो कार्य कर रहे हैं अब जब हमें यह पता है कि वह कार्य सही नहीं है तो हमारे अंदर शायद शर्म महसूस होती हो या गिल्ट महसूस होता हो तो ईगो डिफेंसिव फंक्शन यानी कि अहंकार रक्षात्मक कार्य जो एटीट्यूड का होता है वह कहीं ना कहीं हमें यह सिखाता है कि जो कार्य हम गलत कर रहे हैं उसको किस प्रकार हम जस्टिफाई कर पाए जैसे कि अगर मैं बोलूं सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है यह हमको पता है लेकिन अगर हम सिगरेट पी रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत अंदर हमें ये पता है कि हम ये कार्य गलत कर रहे हैं हम ये कार्य सही नहीं कर रहे हैं लेकिन अब कैसे बचाएं अपने ईगो को अहंकार को तो हम शायद इस तरीके का दृष्टिकोण रखते हैं कि बाकी लोग भी तो सिगरेट पीते हैं तो क्या हुआ अगर हम भी पी रहे हैं तो तो इसमें क्या हुआ कि आपने अपने अहंकार को अपने जिस चीज के लिए आपको शायद कभी कोई शेम या गिल्ट या शर्म महसूस हुई होगी उसको डिफेंड कर लिया यह कह कहकर कि बाकी लोग भी तो वही करते हैं तो इसमें गलत क्या है तो आपके नजरिए का एक यह कार्य होता है कि आप अपने आप को बचाते हैं अपने ही गिल्ट से अपने ही शर्म से अपनी ही शेम से इसके अलावा अगर मैं दूसरा कार्य नजरिए का बोलूं तो वह होता है मूल्य अभिव्यंजक कार्य यानी कि वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन हर इंसान की अपने अपने अलग मूल्य अलग अलग वैल्यूज़ अलग अलग बिलीव्स होते हैं अब आप अपने ही एटीट्यूड यानी कि अपने नज़रिए के द्वारा अपने वैल्यूज़ अपनी मूल्यों को दूसरों के सामने दर्शाते हैं कि आपकी खुद की क्या वैल्यूज़ हैं आपके लिए खुद के क्या अलग अलग चीज़ों के मूल्य हैं तो ये होता है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन जिसमें आप अपने नजरिए के थ्रू अपनी मूल्यों को दर्शाते हैं जैसे कि अगर आपका नजरिया दहेज प्रथा के लिए नकारात्मक है तो आप इस नजरिए के द्वारा आप यह दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप कुप्रथाओं के विरोध में हैं जो कि अच्छी नहीं है इसके अलावा सिर्फ यही नहीं नजरिए का एक और कार्य भी होता है जिसको हम कहते हैं नॉलेज फंक्शन यानी कि ज्ञान कार्य यानी कि ज्ञान को अर्जित करना आप कंटिन्यूस तरीके से अलग अलग जगहों से अलग अलग सिचुएशन से अलग अलग लोगों से हम ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं हम ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं क्योंकि उसी ज्ञान से तो हम अपना नजरिया बनाते हैं तो इसलिए नजरिए का एक और फंक्शन यही होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम जहां पर भी हैं जिसके साथ भी हैं जो भी कर रहे हैं नई से नया ज्ञान लें नई से नई नॉलेज अपने अंदर लेकर आए क्योंकि वही नॉलेज आपके आगे के नजरियों के लिए आधार बनता है जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं आप जानना चाहते हैं कि आपके आसपास के माहौल में हो क्या रहा है आपका नजरिया ये है इसके अलावा समायोजन कार्य होता है यानी कि एडजस्टमेंट फंक्शन अब जैसे कि मैं बोलूं, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर खाने पर गए आपको दाल चावल ही खाना पसंद है लेकिन आपके बाकी दोस्त कुछ चाइनीज मंगा रहे थे कुछ साउथ इंडियन डिशेस मंगा रहे थे तो आपने भी दाल चावल ना मना ना मंगाकर आपने भी दाल चावल ना मंगाकर आपने भी चाइनीज या साउथ इंडियन या इटालियन डिशेस ही मंगाई जो आपके दोस्तों ने मंगाई थी तो ऐसा नहीं है कि आपका नजरिया आपका सोचना आपके दाल चावल के लिए बदल गया बस ये है कि आप आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं कोशिश करते हैं कि दूसरों के साथ मिलजुल कर हम आगे बढ़े तो यह होता है आपके नजरिए का एडजस्टमेंट फंक्शन जो आपको यह सिखाता है कि कभी कभी औरों के हिसाब से भी हम चीजें कर सकते हैं इसमें यह है नहीं हुआ कि आप पूर्ण रूप से बदल गए आपने दाल चावल खाना छोड़ दिया नहीं इसमें सिर्फ यह है कि जब हम औरों के साथ हैं तो हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम चीज़ों को सिचुएशंस को अडेप्ट कर पाए और उन्हीं के हिसाब से हम कर लें जिससे कि शायद पूरे समूह को एक खुशी की प्राप्ति हो तो ये होते हैं हमारे एटीट्यूड्स और इन्हीं एटीट्यूड्स को हम अपने कार्यस्थल पर लेकर जाते हैं जहाँ पर हम ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं जहाँ पर हम लोगों के साथ अपने सहकर्मियों के साथ एडजस्ट होना चाहते हैं उनके साथ समायोजित होना चाहते हैं कई जगहों पर हम अपने ईगो को डिफेंड भी करते हैं हम अपने अहंकार की रक्षा भी करते हैं और तो और हम बहुत सारी जगहों पर हम अपने मूल्यों को भी दर्शाते हैं अपने अपने नजरिए से अपनी मनोदृष्टि से तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ जनरल एटीट्यूड्स यानी कि सामान्य मनोवृत्ति या मनोदृष्टि के प्रकार तो तीन तरीके के होते हैं जब हम इन प्रकारों की बात करते हैं तो सबसे पहला होता है नौकरी से घृणा करने वाले यानी कि जॉब हेटर्स यह वो व्यक्ति होते हैं जो संगठन में कार्य तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपना कार्य बिल्कुल पसंद नहीं है वे कार्य करते हैं शायद वेतन पाने के लिए बस क्योंकि वह शायद उनकी बेसिक नीड्स के लिए बेसिक जरूरतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन उन्हें अपना कार्य करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता वे अपने कार्य से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते उनकी खुद की आइडेंटिटी कुछ और है तो वह अपनी जॉब से किसी भी कारण की वजह से यह हो सकता है कि वह कार्य को पसंद नहीं करते हो सकता है कि उनके जो सीनियर हैं उनके साथ उनका संबंध अच्छा नहीं है इसलिए वह अपने कार्य को पसंद नहीं कर रहे हो सकता है कि उन्होंने असमानता देखी है संगठन में इसलिए वह अपने कार्य को पसंद नहीं कर रहे उसका आधार कुछ भी हो सकता है लेकिन बात यहाँ सिर्फ ये हो रही है कि कुछ लोगों का एटीट्यूड नजरिया अपनी नौकरी के प्रति बिल्कुल नकारात्मक होता है वे अपनी नौकरी से घृणा करते हैं तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपनी नौकरी पर अपने जॉब पर अपने आप को भागीदार महसूस नहीं करते इन्वॉल्व महसूस नहीं करते हैं और असंतुष्ट रहते हैं अपनी नौकरी से दूसरी कैटेगरी होती है नौकरी प्रेमियों की जो अपनी नौकरी से बेहद प्यार करते हैं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं मानते हैं कि वह जो काम कर रहे हैं वह जो कार्य कर रहे हैं वह उन्हें सुखद अनुभव देता है खुशी प्रदान करता है सुख देता है उन्हें वह कार्य करने में आनंद आता है वह उत्तेजित रहते हैं एक्साइटेड रहते हैं उस कार्य को करने के लिए इंटेंस होते हैं तो ऐसे लोगों के जब एटीट्यूड जब हम बात करते हैं मनोवृत्ति की या मनोदृष्टि की ऐसा नजरिया है उनका अपनी नौकरी की तरफ तो उनको हम कहते हैं जॉब लवर्स यानी कि नौकरी प्रेमी जिनको अपनी नौकरी बेहद पसंद है अब देखिए जो दो कैटेगरीज जो दो वर्गीकरण की हमने बात करी तो एक में तो हमें बिल्कुल समझ आ गया कि उस इंसान को अपनी नौकरी नहीं पसंद एक में हमें समझ आ गया कि हाँ उसे ये बिल्कुल क्लैरिटी है उसको अपना नजरिया बिल्कुल पता है कि मुझे अपनी नौकरी पसंद है तीसरी कैटेगरी होती है नौकरी करने वाले जॉब डूअर्स जो कि नौकरी कर रहे हैं अच्छा बुरा उन्हें नहीं पता ना तो वह खुश है ना ही असंतुष्ट हम कह सकते हैं या फिर उन्हें पता ही नहीं है कि वह असंतुष्ट हैं भी कि नहीं है वे कर रहे हैं कार्य कह दिया गया है तो उतना कर देते हैं जितना कह दिया जाए उसके आगे वो एक इंच नहीं बढ़ेंगे अब देखिए जब हम बात करते हैं ना एटीट्यूड की तो जहाँ पर इंसान जहाँ पर एक सीनियर होने के नाते एक प्रबंधक होने के नाते आपको पता है कि आपके इस अधीनस्थ को या आपका यह अधीनस्थ जॉब हेटर है तो आपके लिए फिर भी चीज़ें आसान हैं क्यों वो जॉब हेटर है तो आप कोशिश करिए कि या तो उसके मनपसंद के कार्य में आप उसको लिंबित करें या फिर आप उसको नौकरी से हटा दें परेशानी आती है जॉब डूअर्स पर कि वे कार्य तो कर रहे हैं लेकिन कार्य को एक बोझ की तरह कर रहे हैं मन से नहीं कर रहे हैं और ना ही वो किसी को कह रहे हैं कि हमें ये कार्य नहीं पसंद तो ऐसे लोग जो होते हैं इनका जिनका इस प्रकार का नजरिया होता है अपने कार्य के प्रति एक बोझ की तरह कार्य करना और बस खत्म करने के लिए करना तो उनके साथ उनको समझ पाना एक प्रबंधक के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ऐसे लोग दूसरे लोगों के अंदर एक असंतुष्टता लेकर आते हैं तो ये अलग अलग तरीके के प्रकार हैं जनरल एटीट्यूड्स के नजरिया के जो हमारे को हमारे संगठन में देखने को मिल जाते हैं आप देखने की बात यह है कि आपको यह समझना है कि कौन सा किस प्रकार का एटीट्यूड किस प्रकार के व्यक्ति को आपको आगे लेके चलना है संगठन में और किसको आपको संगठन से बाहर करना है तो चलिए अब आगे जिस पर हम बात करेंगे वो है नौकरी के दृष्टिकोण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मेजर जॉब एटीट्यूड तो सबसे पहला प्रकार होता है जॉब सेटिस्फैक्शन यानी कि कार्य से संतुष्टि जब हम बात करते हैं कार्य से संतुष्टि तो यह सकारात्मक और नकारात्मक जब हम जॉब डिसन की बात करेंगे अभी अगर हम सेटिस की संतुष्टि की बात कर रहे हैं तो इसमें हम बोलेंगे कि यह आपकी भावना है सकारात्मक भावना है अपने कार्य के प्रति आगे के व्याख्यान में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो आपको सेटिस्फैक्शन या आपको संतुष्टि प्रदान करते हैं अपने कार्य के लिए इसके अलावा दूसरा एक जॉब एटीट्यूड होता है नौकरी की भागीदारी यानी कि जॉब इन्वॉल्वमेंट आप अपने आप को कितना भागीदार कितना महत्वपूर्ण समझते हैं अपने नौकरी के लिए यह इस डिग्री को दर्शाता है आप जितना ज़्यादा अपने आप को भागीदार समझेंगे अपने काम में अपनी नौकरी में आप अपने आप को उतना वैल्यू करते हैं और जब आप अपने आप को वैल्यू करते हैं तो यह आपको एक सकारात्मक नज़रिए की तरफ लेके जाता है और जब आपका नज़रिया सकारात्मक होता है अपनी नौकरी को लेकर तो आप संतुष्ट होते हैं आप खुश होते हैं आप अच्छे मन से कार्य करते हैं और जब अच्छे मन से जो कार्य किया जाता है वह आप प्रभावपूर्ण तरीके से और दक्षतापूर्ण तरीके से करते हैं तीसरा इसमें मैं बात करूंगी संगठनात्मक प्रतिबद्धता की यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जॉब इन्वॉल्वमेंट में था कि आप अपने आप को कितना भागीदार मानते हैं अपनी नौकरी से अपनी जॉब से अपने पद से जो कार्य आप कर रहे हैं उससे लेकिन आप अपने आप को कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं अपने संगठन से यह दर्शाता है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट में कि आप अपने आप को कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं अपनी कंपनी से अपने संगठन से तो यह सब कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच है लेकिन अगर इसकी डिग्री किसी भी इंसान में कम होती है तो वह नकारात्मक नजरिए की तरफ जाता है चलिए विद्यार्थियों अब जिस पर हम बात करने वाले हैं वह है, है संज्ञानात्मक विसंवादिता या विसंगति का सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डिजनेंस थेरी अब संज्ञात्मक विसंगति होती क्या है विसंगति यानी कि डिजनेंस यानी कि कंफ्यूजन यानी कि डायलिमा की सिचुएशन जिसमें आपको नहीं पता कि आपको करना क्या है यह एक ऐसी परिघटना है जिसमें व्यक्ति विरोधाभासी विचारों या मान्यताओं के कारण मनोवैज्ञानिक व्यथा का अनुभव करते हैं संज्ञानात्मक असंगति यानी कि विसंगति एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण विश्वास या व्यवहार शामिल होते हैं जब भी हम डिजनेंस थेरी यानी कि विसंगति की बात करते हैं तो विसंगति कहीं ना कहीं डिजनेंस एक कंफ्यूजन है कभी कभी क्या होता है कि हमारी सोच हमारा नज़रिया तो कुछ और है एटीट्यूड तो कुछ और है लेकिन हमारा जो बिहेवियर आता है हमारा जो व्यवहार आ रहा है वह कुछ और है तो जब ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं तो हमारे अंदर एक विसंगति आती है यानी कि डिजनेंस उत्पन्न होती है अब उस डिजनेंस से हम तनाव में आते हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलूं हम ये मानते हैं कि हमें एक दिन में दो बार टूथब्रश करना चाहिए लेकिन हम खुद नहीं करते तो यह क्या हुआ कि आपका नजरिया तो किसी चीज को लेकर है लेकिन आपका खुद का व्यवहार कुछ और है तो अब जब ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं तो आप एक विसंगति में आते हो यानी कि डिजनेंस फील करते हो और जब हम डिजनेंस की बात करते हैं तो डिजनेंस यानी कि विसंगति एक मानसिक परेशानी है और ये मानसिक परेशानी की भावना पैदा करती है जिससे हमारे अंदर बेचैनी को कम करने और संतुलन बहाल करने के लिए किसी एक दृष्टिकोण विश्वास या व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ता है अब या तो आप अपना नजरिया बदल दें कि एक दिन में दो बार ब्रश नहीं करना चाहिए दातों को या फिर आप वह कार्य करने लगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी नजरिया कुछ और जा रहा है हमारे एटीट्यूड हमारे बिलीफ हमारी वैल्यूज कुछ और कह रही हैं, लेकिन हमारा खुद का व्यवहार कुछ और कह रहा है अब जब हम विसंगति की बात करते हैं तो कॉग्नेटिव डिजनेंस थेरी यानी कि संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत लियोन फेस्टिजर ने दिया था इस सिद्धांत से पता चलता है कि हमारे पास अपने सभी दृष्टिकोणों और व्यवहारों को सद्भाव में रखने और असंगति से बचाने के लिए एक आंतरिक प्रेरणा होती है जिसको हम कॉग्नेटिव कंसिस्टेंसी यानी कि संज्ञानात्मक स्थिरता के सिद्धांत के रूप में जानते हैं अब जब हम विरोधाभासी विचारों या अनुभव की बाराकियों का सामना करते हैं तो मानसिक रूप से हमें क्या होता है तनाव होता है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि दोनों में विसंगति है तो तनाव की स्थिति पैदा होती है अब जब तनाव की स्थिति पैदा होती है तो हम क्या करना चाहेंगे हम उस तनाव को कम करना चाहेंगे अब उस तनाव को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा क्या क्या जिस वजह से वह विसंगति उत्पन्न होती है उस विसंगति को हमें कम करना होगा तो असंगति या विसंगति को कम करने की इच्छा कुछ तत्वों द्वारा निर्धारित की जाती है तो सबसे पहला कारक जो यह बताता है कि क्या हम उस विसंगति को कम करना चाहेंगे कि नहीं अच्छा एक और चीज मैं आपको पहले बता दूं। जरूरी नहीं है कि हम हर तरीके की विसंगति को कम करना चाहें कुछ विसंगतियों पर तो हम ध्यान भी नहीं देते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही उदाहरण बताया रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मानते हैं कि हमें दो बार दांतों पर मंजन करना चाहिए लेकिन हम एक बार करते हैं लेकिन ये इतनी बड़ी बात शायद हमारे लिए बहुत लोगों के लिए मैं सबके लिए नहीं कहूंगी लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इतनी बड़ी विसंगति नहीं होती कि जिसके बारे में वह बड़ा सोचे और सोच समझ कर उस विसंगति को दूर करने की बात कहें तो ऐसे कुछ कारक होते हैं जिसकी वजह से ही इंसान प्रेरित होता है विसंगतियों को दूर करने के लिए तो उन कारकों की मैं बात करूंगी तो सबसे पहला जो कारक होता है वह होता है विसंगति पैदा करने वाले कारक का महत्व जो फैक्टर आपके अंदर डिजनेंस यानी कि विसंगति पैदा कर रहा है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए वो कारक कितना मायने रखता है मैं अगर बात करूं कि उदाहरण के तौर पर आपका यह मानना है कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन आपके व्यवहार में आया कि आपने कुछ लोगों से झूठ बोल दिया अब अगर झूठ बोलना आपके लिए वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है तो आप पूर्ण रूप से कोशिश करोगे कि कैसे आप अपने व्यवहार को बदलो और कभी भी किसी से झूठ ना बोलो लेकिन इसी के विपरीत अगर झूठ बोलना आपके लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है इतनी बड़ी बात नहीं है तो शायद आप इस पर ध्यान भी ना दें तो यह आपके लिए तनावपूर्ण स्थिति लेकर ही नहीं आएगा लेकिन अगर विसंगति उत्पन्न करने वाला जो भी तत्व है जैसे कि झूठ बोलना झूठ बोलने से आपको डिजनेंस क्रिएट हुआ है क्योंकि आपकी विचारधारा है आपका नजरिया है कि झूठ बोलना गलत बात है लेकिन आपने झूठ बोला और झूठ जो है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है झूठ और सच में तो आप पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे इस विसंगति को हटाने की दूसरा जो कारक होता है वह होता है कि डिग्री ऑफ इंफ्लुएंस परसीव्ड यानी कि आपका कितना प्रभाव है उस विसंगति को पैदा करने वाले कारक के ऊपर फिर से कहूंगी आपका कितना प्रभाव है उस विसंगति को पैदा करने वाले कारक के ऊपर उदाहरण के तौर पर लेते हैं आपका नजरिया है कि आप झूठ नहीं बोलते झूठ बोलना गलत बात है यह है आपका नजरिया है ये आपका दृष्टिकोण है अब आप किसी संगठन में कार्य करते हैं वह नौकरी आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपके पास उस वक्त कोई और नौकरी नहीं है अपने जीवन यापन का साधन नहीं है वह नौकरी आपके लिए बेहद ज़रूरी है अब उस नौकरी पर उस जॉब पर कार्य करते हुए आपसे आपके सीनियर ने किसी दिन कहा कि आपको कुछ झूठ बोलना है जिससे कि आपके व्यापार में बढ़ोतरी हो अब अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं तो आपका सीनियर आपको नौकरी से निकाल देगा और आपके लिए वो नौकरी बेहद जरूरी है अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने सीनियर पे कि आप उस सीनियर को समझा पाओ कि झूठ बोलना सही है या गलत है क्योंकि आपसे कौन कह रहा है झूठ बोलने को आपका सीनियर अब सीनियर के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है कोई नियंत्रण नहीं है तो इस परिस्थिति में क्योंकि आप नौकरी छोड़ नहीं सकते उस पर भी आपका नियंत्रण नहीं है क्योंकि आपको अपने जीवन यापन के लिए या किसी और मजबूरी के लिए बेहद जरूरी है उस कार्य को करना तो शायद जब आप देख रहे हो कि आपका तो प्रभाव आपका तो होल्ड आपका तो नियंत्रण है ही नहीं उस झूठ बोलने वाले उस विसंगति को उत्पन्न करने वाले कारक के ऊपर तो आप विसंगति दूर करने की बात को भूल जाते हैं तीसरा जो इसका कारक होता है विसंगति में शामिल पुरस्कार अगर आपको लगता है कि अगर कुछ विसंगति हुई जैसे कि फिर से वही उदाहरण लेते हैं कि उस झूठ बोलने से आपको करोड़ों का फायदा होने वाला है और आपके लिए वो करोड़ों रुपए बड़े मायने रखते हैं तो शायद जो इनाम आपको मिल रहा है उस विसंगति से जो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन झूठ बोलने से आपको करोड़ों का फायदा हो रहा है तो शायद आपके लिए करोड़ों का फायदा ज्यादा मायने रखता है तो अब आप नहीं सोचते हैं कि उस विसंगति को मुझे कम करना है जैसा चल रहा है आप वैसा चलने देते हैं तो देखिए ये मनुष्य पे निर्धारित होता है कि उसके लिए जो विसंगति का कारक है वो कितना महत्वपूर्ण है उसके ऊपर उसका कितना नियंत्रण है और उस विसंगति वाले कारक की वजह से उसे कितना इनाम मिल रहा है क्या वो इनाम ज्यादा है अब देखिए इसी में मैंने करोड़ों के इनाम की बात करी है लेकिन इसी स्थिति में रहते हुए हो सकता है किसी इंसान के लिए करोड़ों का फायदा मायने नहीं रखता उसके लिए तो सही इनाम है सच बोलना ही तो उस में क्या होगा क्योंकि उसके लिए सच बोलना इनाम है तो वह उस विसंगति को हटा देगा तो यह आपके लिए आपके रिवॉर्ड की क्या परिभाषा है उसके हिसाब से उस पर ही आधारित होता है तो चलिए इसी में जब आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार अब इस समाधान इस अस, असंगति इस विसंगति को हम सॉल्व करें तो सबसे पहली चीज तो विश्वास बदलने चेंज मैंने आपको बोला कि आपका कोई नियंत्रण नहीं है अपने बॉस के ऊपर कि बॉस ने कहा है झूठ बोलने को नौकरी की आपको जरूरत है तो आप बोलेंगे तो या तो अगर ऐसी सिचुएशन में है तो अगर आप अपने आप को शांत तनाव तनाव मुक्त करना चाहते हैं तो आप यही भूल जाइए कि सच और झूठ क्या होता है तो चेंज बिलीव्स दूसरी चीज या फिर अपने एक्शंस बदल दीजिए आप कोशिश करिए कहीं और नौकरी ढूंढिए और अपना जो आपको विसंगति जिसकी वजह से हो रही है उस चीज को वो हट जाएगी तनाव मुक्त हो जाएंगे आप इसी के साथ साथ कार्य की भी धारणा को आप बदल सकते हैं आप अपना परसेप्शन चेंज कर सकते हैं उस कार्य के लिए तो ये अलग अलग प्रकार हैं अलग अलग तरीके हैं कि किस प्रकार आप विसंगति जो आपको हुई है डिजनेंस जो हुई है उसको आप हटा सकें लेकिन कई बार बहुत सारे लोग गलत चीजों के लिए भी एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं तो वह कहीं ना कहीं उन्हें गलत रास्ते पर भी ले जाता है तो आपको यह सोचने की बिल्कुल जरूरत है कि क्या चीज सही है और क्या चीज नहीं कहां पर आपको विसंगति को हटाने की आवश्यकता है तो चलिए अब हम जो बात करने वाले हैं वह है, है कार्य संतुष्टि यानी कि नौकरी की संतुष्टि यानी कि जॉब सेटिस्फैक्शन नौकरी से संतुष्टि एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो उस डिग्री को परिभाषित करती है जिससे लोग अपनी नौकरी को पसंद करते हैं यह सीगल और लांस द्वारा दी गई परिभाषा थी जॉब सेटिस्फैक्शन की इसके साथ ही साथ संपूर्णता अथवा आनंद का वह एहसास जो किसी व्यक्ति को उसके कार्य यानी कि जॉब से प्राप्त होता है कार्य संतुष्टि कहलाता है तो यह है एक पॉजिटिव फीलिंग है सकारात्मक भावना है अपने कार्य के प्रति अब यह सकारात्मक भावना जो होती है ये व्यक्ति में अपने कार्य को लेकर ही उत्पन्न होती है जब हम कार्य संतुष्टि के अध्ययन की बात करते हैं तो इस माना जाता है कि सबसे बड़ी प्रस्तावना हॉथोन अध्ययन यानी कि हॉथोन एक्सपेरिमेंट्स जो कि एल्सन मेय ने किए थे उनके द्वारा की गई थी और साथ ही साथ कुछ लोगों का यह मानना भी है कि अब्राहम मैस्लो ने जो आवश्यकता का सिद्धांत दिया था यानी कि हरार की नीड ऑफ की बात करी थी उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन यानी कि कार्य संतुष्टि की, कार की नींव रखी गई थी हाँ जब हम नौकरी से संतुष्टि या कार्य संतुष्टि की बात करते हैं तो यह अमूरत होती है यह दिखती नहीं है यह सिर्फ महसूस की जा सकती है यह सिर्फ आप फील कर सकते हैं यह एक भावनात्मक क्रिया है जो सिर्फ अनुभव की जा सकती है तो चलिए अब आगे जिस पर हम बात करेंगे वह कार्य संतुष्टि के कारण क्या होते हैं किन किन वजहों से कोई भी व्यक्ति अपने संगठन में रहते हुए अपने कार्य से संतुष्ट होता है तो सबसे पहले तो कारक जो होते हैं वह होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स यानी कि संगठनात्मक कार्य इसमें सबसे पहली चीज होती है चैलेंजिंग वर्क अपॉर्चुनिटीज यानी कि कार्य अवसर चुनौतीपूर्ण कार्य अवसर जब किसी व्यक्ति विशेष को चुनौतीपूर्ण कार्य अवसर मिलते हैं तो वह है अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है अपने कार्य के द्वारा सिर्फ यही नहीं कार्य की प्रकृति क्या है अगर मनोटनस काम है एक जैसा कार्य आप रोज करते हैं तो आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और अपने कार्य से खुश नहीं हो पाते लेकिन आपके कार्य की प्रकृति में आप अलग अलग कार्य करते हैं अलग अलग तरीके के कार्यों को पूर्ण करते हैं तो इससे आपके अंदर ऊर्जा आती है एक मोनोटनस व्यवहार नहीं होता और जब मोनोटनस व्यवहार नहीं होता तो आप अपने कार्य से ज्यादा संतुष्ट होते हैं इसके अलावा संगठन की नीतियां मतलब कि पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की पॉलिसीज हैं बहुत रिजिड पॉलिसीज हैं कि बस वैसे ही रहेगा जो जैसा है तो कभी कभी असंतुष्टि भी होती है साथ ही साथ आपके संगठन में पदोन्नति के क्या ऐसे अवसर हैं क्या समानता है इसमें या फिर इक्विटी है क्या निष्पक्ष रूप से पदोन्नति के अवसर सभी अधीनस्थों को दिए जाते हैं अगर इसका जवाब हाँ है तो वह अधीनस्थ वह कर्मचारी कार्य से संतुष्ट होते हैं साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कार्यकारी परिस्थितियों की जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है कार्य संतुष्टि के लिए यानी कि वर्किंग कंडीशंस ज़्यादातर हम इसकी बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में जहाँ पर उस कमरे का तापमान लाइटिंग एयर वेंटिलेशन या फिर संवातन, आर्द्रता प्रकाश व्यवस्था शोर ए, या फिर पर्याप्त कार्यस्थल के उपकरण इक्विपमेंट्स मशीन्स किस प्रकार की हैं जब आपके कर्मचारी आधुनिक मशीनों पर आधुनिक इक्विपमेंट्स के साथ उपकरणों के साथ कार्य करते हैं तो वह ज्यादा खुश महसूस करते हैं ज्यादा प्रोत्साहित महसूस करते हैं जिसकी वजह से उनका कार्य संतुष्टि कार्य के प्रति बढ़ता है इसके अलावा सिर्फ यही नहीं और भी कुछ कारक हैं, जैसे कि समूह कारक यानी कि ग्रुप फैक्टर्स अब ग्रुप फैक्टर्स में मैं सबसे पहले बात करूंगी समूह का आकार कि वह समूह कितना बड़ा है जितना बड़ा होता जाता है समूह तो आपकी आपका लगाव आपकी हिस्सेदारी थोड़ी कम होती जाती है और आप थोड़ा सा अलगाव महसूस करते हैं तो एक प्रबंधक के तौर पर ध्यान रखिए कि आपके संगठन में छोटे छोटे समूहों पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि छोटे समूह में कोहेसिवनेस अपनापन प्रेम भाव ज़्यादा होता है जब वह सब ज़्यादा होता है तो लोग कर्मचारी कार्य से ज़्यादा संतुष्ट होते हैं और सिर्फ यही नहीं पर्यवेक्षण किस तरीके का है अगर आप अपने कर्मचारियों को अपने अधीनस्थों को हर छोटी चीज पर टोकते रहते हैं या आदेश देते रहते हैं तो इसको हम क्लोज सुपरविजन कहते हैं जो कि अच्छा नहीं रहता कम से कम थेरी वाई वाले लोगों के साथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता क्योंकि वह तो खुद में सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं वह खुद कार्य करना जानते हैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं तो इसके अलावा सिर्फ यही नहीं होते फैक्टर्स नौकरी में आपकी कितनी रचनात्मकता है कितनी क्रिएटिविटी है कितना इनोवेशन आप अपनी नौकरी पर लेकर जा रहे हैं वह भी निर्धारित करता है आपकी कार्य संतुष्टि का डिग्री इसके अलावा वरिष्ठों साथियों और अधीनस्थों के साथ आपके किस प्रकार के संबंध हैं अगर आपके संबंध अच्छे होते हैं तो यह आपको कार्य संतुष्टि प्रदान करता है साथ ही साथ आपके संगठन की संरचना में कितना लचीलापन है कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा इसके अलावा पहल और नेतृत्व नेतृत्व कैसा है अपनापन महसूस होता है तो हम कार्य से संतुष्ट होते हैं साथ ही साथ अब मैं जल्दी से बात करना चाहूंगी कि कार्य संतुष्टि के प्रभाव क्या होते हैं तो अगर कोई इंसान कार्य से संतुष्ट है तो उसकी उत्पादकता बढ़ती है उसका चयन तथा बढ़ती कि प्रक्रिया कम होती है उस संगठन में क्योंकि वहां पर लोग नौकरी पर छोड़ के ही नहीं जाते हैं साथ ही साथ तनाव मुक्त रहते हैं और यानी कि अनुपस्थिति कम होती है लोग कंपनी में संगठन में कार्य करने के लिए जाना चाहते हैं अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिस पर बात करेंगे कि नौकरी असंतोष के लिए कर्मचारी की क्या क्या प्रतिक्रिया रहती है अगर आप डिसटिस्फाइड हैं अपनी नौकरी से तो क्या क्या प्रतिक्रिया है तो पहले तो दो चीजें होती हैं कि आपकी प्रतिक्रिया एक्टिव है सक्रिय है या निष्क्रिय है यानी कि पैसिव है इसी के साथ साथ दूसरा पैमाना होता है दूसरी डायमेंशन होती है कि आपकी प्रतिक्रिया विनाशकारी है यानी कि डिस्ट्रक्टिव है या रचनात्मक है यानी कि कंस्ट्रक्टिव तो पहले हम बात करेंगे जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं एग्जिट की नौकरी से निकल जाना अगर आप अपनी नौकरी से असंतुष्ट हैं तो आप सक्रिय तरीके से अपनी नौकरी छोड़ दीजिए यह कहीं ना कहीं विनाशकारी होता है संगठन के लिए क्योंकि अगर आप एक अच्छा कर्मचारी छोड़ आपका एक अच्छा कर्मचारी छोड़ के जा रहा है तो ये संगठन के लिए काफ़ी ख़राब बात है इसके अलावा दूसरा एक होता है आवाज़ उठाना यानी कि वॉइस अगर आप अपनी नौकरी से असंतुष्ट हैं तो आप आवाज़ उठाइए आवाज़ उठाने का मतलब यहाँ पर है कि अपने सीनियर्स के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को रखिए बताइए डिस्कशन करिए इसी के साथ साथ एक तरीका होता है निष्ठा दिखाना यानी कि लॉयालिटी दिखाना आप असंतुष्ट हैं आप चुप हैं साथ ही साथ आप रचनात्मक हैं आपको ये पता है कि समय आने पर आपको कार्य से संतुष्टि जरूर मिलेगी शायद वो कुछ समय के लिए कुछ ऐसा है तो आप अपनी लॉयलिटी दिखाते हैं आप अपनी निष्ठा दिखाते हैं अपने संगठन की तरफ चौथा जो कि निष्क्रिय यानी कि पैसिव होता है लेकिन साथ ही साथ बेहद डिस्ट्रक्टिव होता है बेहद विनाशकारी होता है किसी भी संगठन के लिए वह है कि आपका कर्मचारी असंतुष्ट है और वह फिर भी संगठन का हिस्सा है और वह जो कार्य कर रहा है वह उपेक्षित तरीके से कर रहा है निग्लेक्ट करता है हर कार्य को कार्य करने के लिए बस कर रहा है तो यह चार अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रिया होती है जब कोई भी कर्मचारी अपने कार्य से असंतुष्ट होता है अब आपको यह देखना है कि किस प्रकार एक प्रबंधक के तौर पर आप इनको पहचाने और सही समय पर सही तरीका अपना के अपने कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि की तरफ लेके जाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों मैं समझती हूं आपको नजरिया और मनोदृष्टि की अवधारणा इस व्याख्यान में अच्छे से समझ आई होगी हमने इसके साथ साथ संज्ञानात्मक असंगति की भी सिद्धांत की बात करी और हमने यह भी जाना कि कार्य संतुष्टि के क्या कारक होते हैं और कार्य संतुष्टि के क्या प्रभाव है किसी संगठन के ऊपर धन्यवाद